बैठकों विवादों का दौर थम गया। काफी जद्दोजहद और माथापच्ची के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रणब मुखर्जी के विरोध में बीजेपी की तरफ से संगमा का नाम पेश किया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप में हम आज श्री पी ए संगमा की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर एनडीए की दो औपचारिक और कई अनौपचारिक बैठकों के बाद बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने संगमा के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने माना है कि वो इस मुद्दे पर एनडीए को साथ नहीं रख पाई। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में एनडीए की दो औपचारिक बैठकें हुई और अनौपचारिक स्तर पर भी कई वार्ताएं हुई, लेकिन हम इस मुद्दे पर एनडीए में एक राय नहीं बना सके। साथ ही बीजेपी का दावा है कि इससे एनडीए की एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए एक बहुत मच्योर अलायंस है, बहुत परिपक्व गठबंधन है, जो कई समयों पर अलग अलग विभिन्न मतों को समेटते हुए भी बना रहता है, टूटता नहीं है। इसलिए एनडीए की टूटन का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। बहरहाल सहयोगी दल जेडीयू और शिवसेना की असहमति के बीच बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए पीए संगमा की दावेदारी का समर्थन किया है, जबकि शरद यादव ने प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी को समर्थन देने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी राय लगातार रही है और वो हमारा अनुभव है कि राष्ट्रपति 13 बने हैं, दो को छोड़ करके हमने सभी राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनको हमने देखा है। संगमा की दावेदारी का सबसे पहले AIADMK और बीजू जनता दल ने समर्थन किया, जिसके बाद से ही वो मैदान में अड़े हैं। अब संगमा ने जेडीयू, शिवसेना और टीएमसी से भी समर्थन की मांग की है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट द बीजेपी हैज टेकन अ स्टैंड टू बैक my candidature in the coming presidential elections. I once again appeal to all the allies of the NDA to extend their support to my candidature. I'll be making my tour program and I'll be going out all over to personally request all political parties, both in UPA and in NDA. I know the media has been very kind to me. Last 4-5 days you have been here in the scorching sun. फिलहाल संगमा ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह संगमा को अब तक बीजेपी, अकाली दल, बीजेडी और AIADMK का समर्थन हासिल हुआ है। न्यूज पॉइंट ब्यूरो, दिल्ली।